So alright guys, I switched back my bike. Oh, this is the real par. Oh, this is the par. Let's give him a zoom out. This is my bike. I go on 120 like in seconds. That's good, but I got a cue. I love this one. 131 with no. Efforts. This is biking. I don't know why people love the Royal Enfield. I'm so sorry. 131 with no efforts. And with billion, it's giving me a very linear power. This is what I want. The land is the 135 chali gayi. सुबह से इतना ज़्यादा इस तरफ रैंप कर चुका हूँ, मे भी हो सकता है इसलिए पावर ड्रॉप दिख रही है एंड फीलिंग का वेट भी पड़ गया पहले से, बस रवि चला रहे रॉयल एनफील्ड और मेरे पीछे शुभम. But I'm not considering it now. But I feel like I'm comparing Royal Enfield and this. And at that time I didn't do wind blast and now I'm describing it. So let's neglect. This is just 89 kilometers. All we need to do is go straight. करने वाला है आज इसका, मुझे डाउट है 30 के भी नीचे जाएगा. दो महीने बाद का था ये. सॉरी.
go straight, no doubt. Now I'm feeling कि मैं किसी expressway पे हूँ. टोल मेकर है, आखिर इस चीज का मजा तो लेना चाहिए ना. वहां से निकलते हुए सोचा था 1:1 की फॉर्मेशन में बहुत स्ट्रिक्टली जाएंगे, बट किसी से कंट्रोल नहीं हुआ. सुबह भी सब बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए आए थे, 1:1 फॉर्म कर रहा था सबने, बट वापसी में किसी से कंट्रोल नहीं हुआ. दे ऑल वॉन्ट दैट थ्रिल, दैट्स व्हाई दे राइड नॉट ड्राइव. निकल गए थे आगे एंड स्टिल हमने इनको कैच कर लिया. Make it fight club, make it fight club. कर रहे थे मे बी जस्ट मी. It's just 2 kilometers and उसके बाद हम सोबर हो जाएंगे, जो कि मेरी बाइक की स्लिप तो रवि के पास है. मैं वैसे भी उसका वेट करता, I'm not that bad. एक्सप्रेसवे भी खत्म होने वाले है. हाँ, सो इसके पिछले वीडियो में आपने देखा माय इंप्रेशन ऑन मीट्रो 350 एंड इस वीडियो में आपने देखा इंप्रेशन ऑन पल्सर N250. सो आप एक्साइटमेंट लेवल देख के मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि मुझे कौन सी अच्छी लगी, एंड ये भी बताओ कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छी लगी.
ज्यादा खा लिया। Let's wait for him.